अगर आपने इस मैसेज को सीरियसली लिया, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी सेवा बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग विल बी चेंज। कभी कल से नहीं, आज से, आज से, क्योंकि मैं जानता हूं ये मैसेज क्या करता है। एक दिन प्रभु ने अपने चेलों को कहा, सब यरूशलेम में जमा हो जाओ और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जाने के बाद तुम सबको पवित्र आत्मा मिले। हम सभी जानते हैं जीसस यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 1.25 महीना इस पृथ्वी पर रहा था, 40 दिन, और उसके बाद वो उठा लिया गया। अब ये सभी चेले एक जगह पे इकट्ठे थे जिनकी संख्या थी 120, और वचन कहता है जब 120 लोग 10 दिन 10 रात वो घर भी नहीं गए थे, वो वहीं पर बैठ के खुदा को पुकार रहे थे। वो एक ही बात कह रहे थे, यहुन्ना ने तो हमें पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन तूने कहा था तू हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और जब वो प्रभु को पुकार रहे थे, बाइबल कहती है 10वें दिन उन सब के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया। वो लोग जो डर रहे थे, अचानक बाइबल बताती है वो बोल्ड बन गए, हियाव से भर गए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक यहूदी को प्रभु में लाके दिखाओ। चलो लेके आके दिखाओ, आई चैलेंज यू, मैं चुनौती देता हूं आपको, एक यहूदी को प्रभु में लाके दिखाओ आप। इट्स डिफिकल्ट, नहीं आते। वो अपने तोराओं को पकड़ के ऐसे बैठे रहते हैं, उल्टा वो आपको कन्विंस कर देंगे कि यीशु प्रभु नहीं है। मेरी बात हुई है इन लोगों से, आज भी कठोर हैं। हमारे लिए प्रभु आया, चला गया, दोबारा आने वाला है। उनके हिसाब से तो प्रभु अभी तक आया ही नहीं है, अभी आने वाला है बोलते हैं वो लोग। उन्हें अपने यहूदी होने का बड़ा घमंड है, आई एम अ ज्यू। बाइबल कहती है उन लोगों ने आत्मा से भरने के बाद प्रचार किया और 3000 यहूदियों ने उद्धार पाया और कलीसिया बढ़ने लगी। फिर और 2000 लोग आ गए, 5000 की कलीसिया। अब सोचो 5000 का चर्च कितना बड़ा चर्च होता है, इट्स अ मेगा चर्च। अब 5000 चर्च के अंदर यहूदी भी आ गए, अन्य जाति भी आ गए। अन्य जाति लोग वो होते हैं जिनका जन्म मसीह परिवारों में नहीं हुआ। हम सब अन्य जाति से आए हुए हैं, मैं अन्य जाति से आया हूं प्रभु में, मेरा जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ, मैं बचपन से यीशु को नहीं जानता था, मैं सिंधी परिवार में जन्मा हूं। अब सब लोग एकत्र हो गए, 5000 लोग। अब इनके बीच में गड़बड़ियां आना स्टार्ट हो गई, सब एक दूसरे को देख के प्रॉब्लम करने लगे, उसको खाना ज्यादा मिलता है, मुझे कम मिलता है, उसे ज्यादा इज्जत मिलती है, मुझे कम मिलती है। आज भी आप देखिए चर्च के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं एक दूसरे के साथ। पास्टर मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, उससे ज्यादा बात करते हैं, पास्टर मुझे इज्जत नहीं देते, उनको इज्जत देते हैं, पास्टर ऐसे करते हैं, पास्टर वैसे करते हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं आजकल लोगों को, उनको भी इश्यूज थे। अब जब पतरस ने ये देखा कि मंडली में प्रॉब्लम आ रही है, तो बजाय इसके कि पतरस खुद नीचे उतरे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, पतरस ने खुद को साइट कर दिया। पतरस ने समय को अलग कर दिया और पतरस ने कुछ लोग चुनाव किए। उसने एक ग्रुप बनाया और कहा, तुम लोग इनकी देखभाल करो,
हम लोग नहीं करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे? तब पतरस ने कहा, हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं। बहुत से लोग यहां से बाहर आ गए हैं इन दिनों, वो नीचे उतर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों हम लोग कमजोर हैं इन दिनों में? कभी आपने सोचा है? कुछ लोग मेंटली परेशान हैं, कुछ लोग इमोशनली हर्ट हैं, कुछ लोग तो फिजिकली प्रॉब्लम में हैं, बीमार हैं। आपको कभी समझ में आई ये बात, मैं क्यों सफर कर रहा हूं? किधर है आनंद? किधर है शांति? कहां है आत्मा की भरपूरी? कहां है? आज हमें कोई दो शब्द कहता है, हम नेगेटिव हो जाते। कभी कभी तो हम चर्च बदल देते, नहीं आना है मुझे आपके पास, मैं नहीं आऊंगा। देखो, प्रभु की बातों को इतना गंभीरता से लिया है इन्होंने। वो जानते थे प्रभु ने हमें प्रार्थना में रहने के लिए कहा है, हम कुछ और नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितने लोग हैं जो कुछ आपने प्रभु से सीखा है, वचन से सीखा है, पास्टर से सीखा है, क्या आप उससे बंधे हुए हैं? आर यू ग्रिप्ड? इन लोगों को देखो, ये कहते हैं हम लोग खाना नहीं बांटेंगे, ये काम हमारा नहीं है, हमें परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया है हम वही करेंगे। आज बहुतों के पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, अभिषेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। इवन बहुत सारे जो लोग हैं थोड़ा करके थक जाते हैं। आप जानते हैं आपकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि आप प्रार्थना से बाहर आ गए हैं। अब आपकी प्रार्थना जो है वही है, सुबह 5 मिनट की, शाम को 5 मिनट की, रात को 5 मिनट की। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का अभिषेक पाने का एक ही रास्ता है और वो है प्रार्थना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे मत बताइए, खुद को उत्तर दीजिए, कितना समय आप प्रेयर में रहते हैं? कितना समय आप दुआ में रहते हैं? सूरज भाई, मैं बैठना चाहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। गलत, बहुत टाइम है, इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी पता है किस बारे में है? हमारी दिलचस्पी है कि हम जाने दूसरों की जिंदगियों में क्या हो रहा है। हमारी दिलचस्पी है कि हम देखें इंडिया किधर गया, विराट कोहली ने कितना बनाया, भाई चंद्रयान ऊपर से ऊपर चला गया, तू क्या कर रहा है अभी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी सब लोग न्यूज देख रहे हैं ना, यहां से चंद्रयान गया है ऊपर, वहां पर पहुंच गया ना, वो पहुंच गया, तू किधर है? मैं उधर ही देख रहा है। मैंने भी सेलिब्रेट किया जिस दिन वो उधर गया, मैंने कहा ओके प्रभु का धन्यवाद, हमारा देश महान। अब क्या करूं, चंद्रयान पे जाके बैठ जाऊं? भाई मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं वही करूंगा जो मुझे खुदा ने कहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं समझाना चाहता हूं, अपने दुआ के जीवन में लौटो। आज आपको पता है परमेश्वर ने मुझे क्या कहा इस नगर के लिए? मैं शाम को यहां पर आया 5 बजे, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मुझे भाई आबेस ने कहा हम आपको 7 बजे लेने आएंगे, फिर मुझे कॉल आया 7:45 के, आधा घंटा और है। मैं प्रेयर कर रहा था, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मेरे पास पूरी कॉपी भरी पड़ी है, आप मुझे बताओ, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मेरे पास पूरी नोटबुक भरी पड़ी है, लेकिन आप मुझे बताओ यहां की जरूरत क्या है। मुझे प्रभु ने पता है क्या कहा? बोल इन्हें दुआ के जीवन में लौटे। कम बैक, प्रेयर में लौटो। ब्रदर मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों भैया, क्यों टाइम नहीं है?
भैया मेरा सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी दानियल के पास दिन में 3 बार प्रार्थना करने का समय था, 3 times। आप क्यों प्रार्थना नहीं करते? बदर मैं पास्टर हूं, मैं करता हूं, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 20 लाख लोगों को संभालने के बाद भी मूसा को प्रभु के लिए 40-40 दिन होते थे। बदर ये तो अलग बात है, मैं तो राजा हूं, मैं तो इधर का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। राजा होने के बाद भी दाऊद के पास प्रभु के लिए दिन में 7 बार आराधना का समय था। समय नहीं है? कल सोचो आपको तकलीफ आ जाए और प्रभु आपको बोले अब मेरे पास समय नहीं है तेरे लिए, कहां जाएंगे? बोलो बोलो कहां जाएंगे? क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हमारा बोलना सॉफ्ट क्यों नहीं है? हमारे चर्च में एक भाई आए, कुर्सी नहीं थी बैठने की। वॉलंटियर ने उनको बोला, अंकल जगह फुल हो गया है, अगर आज का दिन अगर आप थोड़ा पीछे बैठ जाएं तो। मैं क्यों पीछे बैठूं? क्यों? उधर से तुम दिखोगे नहीं। इतना बड़ा बनना है? जानते हो ये हमारी हालतें क्यों हैं? क्योंकि हम दुआ की जिंदगी से बाहर आ गए। मेरा मैसेज अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं करूंगा। मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई है, संदेश मैं अभी शुरू करूंगा। और विश्वास कीजिए मैं 15 मिनट में संदेश पूरा कर दूंगा, 15-20 मिनट। एक दिन बाइबल कहती है यीशु ने अपने चेलों को कहा उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु ने यह नहीं कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए, यीशु ने कहा प्रार्थना करो, परीक्षा तो आ रही है तुम न पढ़ जाओ। उसे यह नहीं कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, उसने कहा परीक्षा तो आएगी आएगी, प्रार्थना करो कि तुम ना उसमें पढ़ जाओ। किसने प्रार्थना की? किसी ने भी नहीं, सोए थे। यीशु 1 घंटा प्रार्थना करके दोबारा लौटा और बोलता है उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। वापस यीशु चला गया, वापस आया, ये प्रार्थना ही नहीं कर रहे थे। पता है 3री बार प्रभु ने क्या कहा था? उठो प्रार्थना करो क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो तैयार है पर तुम्हारा शरीर उसे प्रार्थना करने दे नहीं रहा है। किसी ने भी नहीं सुनी। पता है क्या हुआ उसके बाद? यहूदा इस्करियोति लोगों को लेके आया ये बताने के लिए कि ये जीसस है, इसको पकड़ो। और जैसे ही पतरस ने देखा, पतरस ने क्या किया? तलवार निकाली। एक्चुअली वो यहूदा को मारने जा रहा था, बीच में कोई आदमी आया उसका कान उड़ा दिया। सोचो भाइयों, ये तो तलवार चलाना आती नहीं थी, नहीं तो गर्दन ही उड़ा देता। ये तो उसका उसको ठीक से आती नहीं थी तलवार चलाने। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने तलवार उठाई, इन्होंने मारना स्टार्ट किया, लेकिन यीशु ने क्या किया? पतरस अंदर रख से, जो प्याला पिता ने दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? यीशु क्रूस पे मरने के लिए चला गया, ये लोग लड़ रहे थे। जो प्रार्थना करते हैं वे परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो लड़ते हैं। आज जिस किसी को भी आप देखो ना, जो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला के बात कर रहा है, उसको इतना गुस्सा आता है। पता है हमारी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि हम प्रेयर में नहीं हैं। जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरा, जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो एक दूसरे को मार रहे थे। कहिए अपने पास वाले से, दुआ में लौटो।
बोलो बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो दुआ में लौटो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उसके लिए काम करो, कभी भी नहीं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है आप उसके लिए काम करो क्या? हां, मैं आपको बाइबल में से दिखा सकता हूं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप उसके लिए काम करो। परमेश्वर सदैव चाहता है आप उसके साथ काम करो, उसके साथ। मैं जो भी लाइन कहूंगा ना, मुझे पता है सारे प्रभु के दास सहमत हो जाएंगे इससे, क्योंकि सब लोग घूमते रहते हैं यहां, अलग अलग चर्चेस में जाते हैं। विश्वास कीजिए पास्टर साहब, और प्लीज सही तरीके से लीजिएगा आप लोग। जितना आज लोगों को सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी ने भी नहीं किया। सेवा 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 सेवा, सुबह उठ के उसके घर पे, कहां जा रहे हो? मेरे को विजिटिंग पे बुलाया है, उधर से आएंगे। अभी किधर जा रहे हो? अभी वो चर्च में जा रहा हूं प्रचार करने। अच्छा, अभी किधर जा रहे हो? अभी वो मर गया ना, उधर जा रहा हूं। अभी कहां जा रहे हो? अभी उसकी शादी पे जा रहा हूं। सारा दिन तो सेवा करते हो, प्रभु के साथ कब बैठते हो? सारा दिन कुछ लोग घोड़े पर रहते, सारा दिन घोड़े पे भागते रहते। मैं दुआ करता हूं प्रभु तुमसे तुम्हारा घोड़ा ही छीन ले। होल डे रनिंग 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 रनिंग। साधु सुंदर सिंह ने कहा अपनी किताब द विजन ऑफ साधु में, जो व्यक्ति परमेश्वर से अधिक सेवा को महत्व दे वो पीछे हो चुका है।